लेके आई हूँ बचे हुए चावल से मजेदार से नाश्ते की रेसिपी। आपके घर में अगर चावल बच जाए तो आप मेरे इस तरीके से नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। जब आपको कुछ अच्छा चटपटा सा खाने को मन करे तो इस तरीके से आप बना के बचे हुए चावल से नाश्ता तैयार कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम एक कप चावल डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही इसमें हमें ताजी लेनी है, ज्यादा खट्टी दही हमें इसमें नहीं लेनी है। थोड़ा इसमें पानी डाल देते हैं। जार का ढक्कन लगा के अब हम इसे थोड़ा पीस लेते हैं। ये देखिए सारे चावल को हमने पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए सारे चावल को हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। ये मैंने एक टमाटर लिया है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। एक प्याज लिया है, इसे भी मैंने बिल्कुल ही बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च लिया है, इसे भी मैंने काट के लिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ता ले लिया है, थोड़ी धनिया पत्ता हम रख लेते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। वैसे तो हमने इसमें हरी मिर्च डाली हुई है, लेकिन काली मिर्च देने से क्या होता है, इसका टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे या टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे डाल के मिला लें। इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, इसे डाल के भी मिला लेंगे। अच्छे से इसे आप मिक्स कर लें। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा, इसे भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ी सी ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के थोड़ा ग्रीस कर ले। अभी हमने इसे गैस पे नहीं रखा है। सारी चीजें हम जब कर लेंगे उसके बाद हम गैस पे इसे रख देंगे। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया हुआ है उसे इसमें डाल देंगे। ये देखिए सारे मिक्सचर को हमने डाल दिया है। अब इसे बराबर से फैलाते हुए इस तरीके से करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे स्पैचुला से इस तरीके से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल हमें इसे गोल बना लेना है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने इसे स्पैचुला से अच्छे से गोल शेप दे दिया है। ये देखिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए पैन को हमने गैस पे रख दिया है। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसे हमें पका लेना है। अब हम इसे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक साइड तो हमारी पक चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल देते हैं और इसे भी हम इस तरीके से ग्रीस कर देंगे। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। एक थाली ले लेंगे। उसके बाद हमने जो ये
मिक्सर रखा हुआ है उसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए इसे इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए इस साइड हमारी पक चुकी है, अब हम इसे फिर से पैन में डाल देते हैं। ये देखिए मिक्सर को हमने डाल दिया है, अब हम इसे थोड़ा इस तरीके से दबा लेंगे और इसे बराबर में फिर से कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी मिक्सर अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमने अच्छे से इसे मिला लिया है, अब हम इसे फिर से कवर कर देंगे और इसे दूसरी साइड भी पकने देते हैं। तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। सेम जार में हम एक कप सूजी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डाल देंगे, थोड़ी सी नमक डाल देते हैं या टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। जार का ढक्कन लगा के इसे अब हम थोड़ा पीस लेते हैं। ये देखिए सूजी को हमने अच्छे से पीस लिया है, अब हम 2 कटोरी ले लेंगे छोटी छोटी, उसमें थोड़ा थोड़ा घोल को डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों में हमने मिक्सचर डाल दिया है। अब हम एक मिक्सचर में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ज्यादा नहीं डालना, बस 1/2 टीस्पून ही इसमें डाल के मिक्स कर लेना है। थोड़े से हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, इसे डाल के भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, दूसरे घोल का हम बाद में यूज करेंगे। अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए नाश्ता हमारा अच्छे से पक गया है, अब हमने जो घोल को तैयार किया हुआ था उसे इसमें डाल देंगे इस तरीके से और फैला देंगे। सारे घोल को हम इस तरीके से डालते हुए इसके ऊपर फैला देंगे और इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि ऊपर की ओर भी अच्छे से ये पक जाए। अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से ऊपर की ओर पक चुकी है, अब हम इसे फिर से उसी तरीके से पलट लेंगे। एक थाली ले लेंगे, उसको इस तरीके से रखते हुए इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए अब हम इसे इसमें फिर से डाल देते हैं। ये देखिए हमने इसे अच्छे से डाल दिया है, दूसरी तरफ भी हम इसे सिकने देते हैं। तब तक हम आगे का काम फिर से कर लेते हैं। अब हमने जो दूसरी कटोरी में सूजी का घोल रखा हुआ था उसमें भी 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा डाल देंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, इसे डाल के मिला लेंगे अच्छी तरीके से। आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम चलते हैं फिर से गैस की तरफ। अब हम इसे देख लेते हैं। अब हमने जो सूजी का घोल तैयार किया हुआ है इसे भी हम दूसरे साइड इस तरीके से डालते हुए इसे फैला देंगे। ये लीजिए हमने इसे अच्छे से फैला दिया है, अब इसे भी हम 2 मिनट के लिए कवर करते हुए इसे इस साइड पकने देते हैं। दूसरी तरफ भी सिक गई है, अब हम फिर से इसे प्लेट में इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए अब हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देते हैं।
अब हमने जो थोड़ा धनिया बचा के रखा हुआ था, धनिया का पत्ता, उसे इसमें डाल देंगे। थोड़ा इसे चला लेते हैं, चारों तरफ इसे इस तरीके से फैला लेंगे। अब हम इस नाश्ते को इसमें इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सिकने देते हैं इसे। अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, नाश्ता हमारा बनके तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसे अब हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए, बचे हुए चावल से हमारा मजेदार सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से काट रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे काट लिया है। अब मैं इसे आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, कितना अच्छा बना है ये। आप इसका टेक्सचर देखिए। आप इसी तरीके से मजेदार सा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। जब आपके घर में चावल बच जाए तो आप मेरे इस तरीके से नाश्ता बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही अच्छी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।